हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो इस मौके पे हम लोग सीहोर के जो गणेश मंदिर है, प्रसिद्ध गणेश मंदिर चिंतामन गणेश मंदिर, वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और इस पावन त्यौहार में हम लोग भी गणेश जी की दर्शन करते। बने रहिए मेरे वीडियो में आगे और देखने के लिए। गणेश उत्सव के त्यौहार चलते हुए यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मंदिर की थोड़ी सी दूर में हम लोगों को गाड़ी पार्किंग करके रखना पड़ा और हम लोग ये रोड के सामने से जा रहे हैं मंदिर के तरफ। और आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में बहुत सारे दुकानें लगी हुई है और मंदिर के पीछे साइड में बहुत बड़ा मेला लगे है और ये मेला हर साल इसी टाइम ही उत्सव में लगा जाती है। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर के सामने ही पहुंच गए और अभी गणेश जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड प्रसाद और फूलमाला लेने जा रहे हैं। तो चलिए आप अंदर चलते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। देखिए मंदिर के सामने बहुत अच्छी टेंट की व्यवस्था कर रखी है क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश और धूप में किसी को, कोई भक्तजनों को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए बहुत अच्छी सुविधा करके रखी है। और हम लोग अभी लाइन में लगे हैं, यहाँ पे पुरुष और महिला के अलग अलग लाइन लगे हैं। मैं महिला वाले लाइन में खड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड और बेटे पुरुष वाले लाइन में खड़ी है। तो लगता है बहुत ही जल्द दर्शन हो जाएंगे, तो आप लोग भी देखिए दर्शन करिए। जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फड़ाची। तो देखिए हम लोग आप फाइनली मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी सी लाइन लगी है, तो थोड़ी सी देर में ही हम लोगों को गणेश जी के दर्शन होने वाले हैं। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव देवा हो देवा गणेश लंबोदर गणेश ओम नम गणपते नमः। देवा हो देवा गणेश लंबोदर गणेश ओम नम गणपते नमः। सुख कर्ता दुख हर्ता वर्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदु। तो गणेश जी के दर्शन करने के पहले सबसे पहले आप लोग नंदी महाराज के दर्शन कर लीजिए। पे आप लोग देख रहे हो मंदिर को एक नया लुक दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गुफा बने और गुफा के अंदर गणेश जी विराजमान है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग फाइनली दर्शन करिए सीहोर के प्रसिद्ध पेशवाकालीन सिद्धि विनायक गणेश चिंतामन गणेश जी के। गणेश जी के मंदिर के पीछे द्वार मंदिर है, तो आप लोग ये देख रहे हो श्री बटेश्वर और कुबेर जी की मंदिर है। और ये है शीतला माता के देवी के मंदिर। तो गणेश जी के अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पीछे हिस्से में जहाँ पे मेला लगे हैं। तो आप लोग भी देखिए मेले पे कौन सा स्टॉल लगे हैं और यहाँ पे क्या क्या सामान मिलते हैं।
ये देखिए, ये है मंदिर और मंदिर की जस्ट पीछे से ही मेला स्टार्ट हुए है और काफी लोग भी मेले में आए हुए है। सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराजी, कंठी सल के माल मुक्ता फड़ा जी, जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा। तो देखिए यहाँ पे मेले में बहुत सारे चीजों की दुकान लगी है, जैसे घर की सजावट की चीज और खाने पीने की दुकान और खिलौने की दुकान भी है, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े झूले भी लगे हुए, तो आप लोग देखिए। मेला घूमने के बाद और मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, लेकिन घर के तरफ जाते हुए हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई, इसलिए हम लोग जा रहे हैं शेयर के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है कृष्णा धाबा रेस्टोरेंट। तो आप लोग देखिए ये जगह कैसी लग रही है। ये जो रेस्टोरेंट आप लोग देख रहे हो ये सीहोर जिला में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये पहले एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन धीरे धीरे अभी ये बहुत बड़ा हो गया और अभी ये रेस्टोरेंट बना दिया गया। और यहाँ के जो दाल बफले है फेमस, वो सीहोर और भोपाल में बहुत प्रसिद्ध है, तो आप लोग भी खा के देख सकते हो यहाँ के खाना। यहाँ पे आके देखिए हम लोग अभी खाना लेके बैठे हैं, और यहाँ के जो दाल बाफले ये काफ़ी बार हम लोग खा चुके, आप लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग में देखा ही होगा, इसलिए हमने थोड़ा इस बार टेस्ट बदल दिया, हमने सेव टमाटर की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी, रोटी, खीर और जीरा राइस लिया, तो आप लोग भी आके यहाँ पे खा सकते हो और यहाँ के खाना का टेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये गणेश जी का वीडियो कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री गणेश।